कल हम लोग प्रॉब्लम्स में थे और एक दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं और क्लियर होगा तो मैं देखूंगा। अगेन ये 3m है और इसको तुम 50 मीटर पर सेकंड से फेंकते हो। अब के चलो ये 53 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर 2 सेकंड ये ब्रेक हो जाता है, एम और 2m में। अब इसमें से एम तो आ जाता है रेस्ट पे, तो 2m का जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया 30 और ये हो गया 40, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। मे का 50 के दो कंपोनेंट्स कर लिए, 30 और 40। अब एक काम करते हैं कि 2 सेकंड पे देखते हैं वो कहां पर है बॉडी, ठीक है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है कि 40 मीटर पर सेकंड ऊपर को आ रहा है तो इसका मतलब 4 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा और अगले 4 सेकंड में नीचे पहुंचेगा, क्यों? तो 2 सेकंड में कहीं बीच में होगा, क्यों? ये इधर कहीं रहा होगा ना 2 सेकंड में। अब देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 30 रही होगी, ये वेलोसिटी 20 हो गई होगी, क्यों? मेका बता बेटा, ये 30 रही होगी या 20 हो गई होगी। अब चलते हैं कितनी हाइट पर रहा होगा, देखो ये कितना रहा होगा, ये तो रहा होगा, हाँ 30 × 2, इसका मतलब 60 मीटर, क्यों? ये हो गया। अब इस पे आ जाओ, इसको 40 × 2, ये तो वेलोसिटी ऊपर ले गई होगी, क्यों? नहीं है, वेलोसिटी ऊपर ले गई होगी, -½g × t², ये ग्रेविटी नीचे लाई होगी। याद आ रहा वो चीज बेटा, सारी चीजें याद आ रही हैं? तो इसका मतलब ये भी 60 मीटर होगा, ये कह रहा है। दूसरी बात, अब ये बताओ, समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और समेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये लगा सकता हूं मैं? नहीं है, समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन और समेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लोजन, बल्कि कोलिजन भी नहीं, एक्सप्लोजन कहो, क्यों? एक्सप्लोजन हो गया, क्यों? ये हो गया। अब बिफोर एक्सप्लोजन क्या था, 3m × 30i कैप +20j कैप, वो भी बता, क्लियर है? 3m × 30i कैप +20j कैप हो गया इक्वल टू, m वाला तो रेस्ट पे आ गया था ना, तुमसे कहा था m वाला तो रुक गया था बेटा जो है, +2m × v कह दू, 2m का ही हमें पोस्टमार्टम करना था ना, नहीं होता, 2m × v कह दू, तो इसका मतलब v कितना हो गया, v आ गया मेरे ख्याल से 45i कैप, और +30j कैप। मेहिका बता बेटा, ये समझ में आया?
एक्सप्लोजन के जस्ट बाद 2m की वेलोसिटी ये आ गई बेटा। अब आप ये बताओ कि मैं अगर तुमसे पूछूं कि 2m मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, तो बताओ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम हाइट ऑफ 2m क्या होनी चाहिए बताओ? बताओ क्या आंसर आना चाहिए मैक्सिमम हाइट ऑफ 2m? गोपी तू ऐसे, तुझे मुझसे एक दिन मिलना पड़ेगा, तेरे को मुझे मिलना चाहिए एक दिन, ठीक है? अब जब तेरे पापा आते ना किसी दिन, तो एक दिन मुलाकात कर बेटा तुझे, लेकिन पनीर और मिठाई का डब्बा, समझ गया ना? हाँ पनीर, लेकिन मैं अभी 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ एक्चुअली में। कब तक है पापा, कब तक है बेटा, कब तक है पापा? हाँ तो अभी तो है, मैं अभी 2-3 दिन के बाहर जा रहा हूँ। तो सुन बेटा जो है, तो तू एक बात बता कि 60 मीटर तो ये ऑलरेडी ऊपर था मी का, देख बेटा, और अभी इसके पास वर्टिकल में 30 की वेलोसिटी ऊपर को और है, क्यों ये बता? इसमें 30 की वेलोसिटी ऊपर को और भी है ना। एक्चुअली मी का पुणे में रहती है ना, प्रॉब्लम ये है, मी का रहती है पुणे में। तो मैं एक दिन एक काम करता हूँ गोपी, तेरे को और उज्जवल को ना दोनों को बुला के पर्सनली भी कुछ वो करता हूँ, ठीक है? दोनों को पर्सनल कुछ बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो 60 वो ऑलरेडी ऊपर है और 30 वेलोसिटी ऊपर को है, तो ये कितना हुआ देखो, 60 पहले से था प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन 2g और हो जाएगा, बस हो गया। बता मी का बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो है 60 मीटर तो ऑलरेडी ऊपर था बेटा जो है वो, और यू स्क्वायर अपॉन 2g और आ गया, तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया बेटा, 105 मीटर हो गया, 105 मीटर ये कह रहे हैं। आ गया समझ में? ठीक, अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। एक बॉम्ब है 5 kg का है और रेस्ट पे था, और सडनली एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है? सडनली एक्सप्लोड्स, और वो ब्रेक होता है 2 kg, 2 kg और 1 kg पे, और ये दोनों के दोनों सेम स्पीड से, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर जाते हैं। और वो जो सेम स्पीड है वो कुछ भी मान लो, 4 मीटर पर सेकंड है मान लो, तो तुमसे कहता है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन पूछ रहा है। हाँ एनर्जी अगर है तो काइनेटिक होगी फिर उसको, ठीक है? एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ये पूछ रहा है। फिर से वही चलते हैं, देख मे का समेशन पी बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू समेशन पी आफ्टर एक्सप्लोजन। इसमें लेकिन एक बच्चा वो नहीं रहता बेटा जो है, एक वो थी ना अदृश्य जो है, क्यों गोपी? एक बच्चा तेरे को ऐसा नहीं लगता अदृश्य रहता है तुम्हारे उसमें जो कोई, क्यों?
गोपी, ऐसे नहीं लगता तेरे को कौन कौन है। अब ये बताओ कि समेशन पी बिफोर एक्सप्लोजन वो जीरो है कि नहीं, ये बताओ। मेकअप बता, वो जीरो है ना, इक्वल टू। बाकी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में गए थे, 2 kg और 2 kg के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में गए थे, तो इसका मतलब ये हो गया 2 × 4i कैप प्लस 2 × 4j कैप और प्लस 1 × v। बता, परपेंडिकुलर लेनी है कोई सी भी, आई कैप जे कैप कोई सी भी ले लो, बस हो गया। इसका क्या फर्क पड़ना बेटा जीवन, नहीं बताओ, आई कैप जे कैप कोई भी ले लो, तो ये हो गया। तो यहां से जरा बताना वी कितना आ गया, वी आ गया -8i कैप - 8j कैप। लेकिन मुझे खैर इससे मतलब नहीं है, मुझे तो स्पीड से मतलब है। क्यों? तो इसकी स्पीड कितनी हो गई बताओ, जो है इसकी स्पीड हो गई 8√2 हो गई। क्यों? समझ में आ गया, स्पीड कितनी आ गई, 8√2 आ गई। इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बता जो है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई, दो ब्लॉक्स थे यहां ध्यान रखना, 2 × ½ m × v² ये तो 2 kg वाले की हो गई, प्लस हाफ 1 × 8√2 इसका स्क्वायर हो गया, बस हो गया, इतना जूल आ गया। समझ में आया? मेका समझ में आया बेटा, ये बता जो है, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये होगी कितनी, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखो, वन केजी का एक ब्लॉक है और ये 6 मीटर से छोड़ते हो आप, लेकिन लौटते में ये केवल 4 मीटर तक ही जाता है। हाँ, और इसमें जो कोलिजन टाइम कह सकते हो, कोलिजन टाइम वो 0.01 सेकंड दिया हुआ है। इसका पोस्टमार्टम करते हैं जरा, सबसे पहला अगर मैं निकालूं कि ई कितना होगा तो वो बताओ, वो √RVOS/RVOA होगा ना, बताओ मेका, ई की वैल्यू कितनी होगी, √RVOS/RVOA होगी। अब RVOS कितना होगा सुनो, RVOS को अगर मैं ये लिख दूं √2GH final, तो बताओ कोई डाउट, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। RVOS को मैं लिख रहा हूं √2GH final और RVOA को मैं लिख रहा हूं √2GH initial। ये पहले समझ में आया मी का, नहीं आया बता बेटा जी। RVOS को मैं लिख रहा हूं √2GH final और RVOA को मैं लिख रहा हूं √2GH initial। ये हुआ ना, जैसे देखिए दे, ये RVOA हुआ ना, ऐसे देखिए, वो कितना हो जाएगा बता, √√2GH नहीं होगा बेटा, ये बता। अब बता √2GH होगा और H का मतलब क्या हो गया, H इनिशियल हो गया, बस ये कह ले जो है। अब 2G और 2G कैंसिल हो गया, तो √H final / H initial √4/6 हो गया। क्यों?
बाई सिक्स इसका मतलब रूट टू बाई थ्री। समझ में आ गई बात? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, जस्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं। पहला ये बताओ कि अगर मैं एवरेज एक्सीलेशन पूछूं कितना रहा, तो मैं ये बताओ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख दूं? बता बेटा जो है, अगर मैं मान ले एवरेज एक्सीलरेशन पूछूं तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूं ना, और डेल्टा वी कितना हो गया? अंडर रूट टू जी एच फाइनल माइनस अंडर रूट टू जी एच इनिशियल अपॉन डेल्टा टी हो गया, बस हो गया। अब वैल्यूज तो रख लोगे मीका? बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान ले मैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तुमसे एवरेज एक्सेलेशन पूछता हूँ, तो तुम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कह सकते हो, और वो हो गया रूट टू जी एच फाइनल, और वो हो गया रूट टू जी एच इनिशियल, ये कह ले, बस हो गया बी पार्ट। अगर मैं एवरेज फोर्स पूछूं तो फिर कुछ नहीं, मास इंटू ए एवरेज कर देना, क्यों? अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बेटा जी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये ना एक्चुअल में माइनस ऑफ ये होगा बेटा। अब बताओ, हाँ ये है ना, डेल्टा वी को मैं क्या लिखूंगा बेटा जो है, डेल्टा वी को मैं लिखूंगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखूंगा, क्यों? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा जो है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो जो वी फाइनल होगा वो तो रूट टू जी एच फाइनल लिखोगे, लेकिन माइनस ऑफ माइनस इतना करोगे, क्यों? समझ में आ रहा है ना, फाइनल वेलोसिटी ऊपर को है और इनिशियल वेलोसिटी नीचे को थी, ये कर ये हो गया, ये एफ एवरेज हो गया। और अगर मैं इंपल्स की बात पूछूं तो फिर वो बताओ कि वो एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होगा, ये हो गया, बस हो गया, क्यों? गोपी जरा बता बेटा जो है, ये इतना होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर मैं एवरेज एक्सीलरेशन कहूँ तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा, अगर मैं एवरेज फोर्स पूछूँ तो मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन हो गया, और अगर मैं इंपल्स पूछ लूँ, चल एवरेज इंपल्स कहते हैं इसको, तो फिर वो क्या हो गया, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी हो गया, ये कह। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट पॉइंट है, वैसे इसमें मुझे वेक्टर का साइन नहीं भी लगाता तो चल जाता ना, 1D चल रहा है, ये ध्यान रखना बेटा। हाँ वेक्टर का साइन नहीं भी लगाता तो भी चल जाता, यहाँ पे नोट किया है देखो, अब नहीं लगा रहा हूं। चलो मैं ए एवरेज, ये तो चलो सिर्फ बॉल के लिए हो गया, ओनली फॉर बॉल, क्योंकि अर्थ के लिए क्या तुम वो करोगे ना, अर्थ के लिए तो कोई मतलब नहीं है बेटा जो है। लेकिन जो एफ एवरेज और जी एवरेज है, ये दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हो ना, बॉल एज वेल एज अर्थ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? अर्थ के लिए एक्सेलेशन क्या कहोगे, अर्थ के लिए तो कोई मतलब नहीं है बनने का जो है, तो वो तो सिर्फ बॉल के लिए डिफाइन होगा, लेकिन ये दोनों के लिए होगा, और ये दोनों पे क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्यों? इक्वल एंड अपोजिट होगा ना, समझ में आ गई बात?
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताओ कि बॉल पे किधर को लगेगा, जरा बताओ, ऑन बॉल, बच्चों वाली बात बताओ कि बॉल पे एवरेज फोर्स या एवरेज इंपल्स किधर को आना चाहिए, ऊपर को? नहीं, बॉल पे ऊपर को आएगा, और ग्राउंड पे किधर को आएगा? ग्राउंड पे नीचे को आएगा, बस हो गया। कुछ तो लॉजिक से भी निकल जाएगा ना बेटा, जो है ये डाउन हो गया। और मे का जरा वो वी इनिशियल और वी फाइनल वाला एक बार और देख ले, हो सकता है उसमें तेरे को कंफ्यूजन हो। ये बता कि ये जो है ना बेटा, ये एच इनिशियल थी, तो यहां पे टकराते समय जो वी इनिशियल है वो नीचे को नहीं है, पहले ही बता, नीचे को है ना बेटा, जो है नीचे को है, माइनस रूट 2 GH इनिशियल कर देना, बस हो गया। लेकिन टकराने के बाद ये ऊपर को है, क्यों? तो V फाइनल कितना हो गया, ये प्लस कर लेना, क्यों प्लस कर लेना, और कितनी हाइट तक हो गया, 2 GH फाइनल हो गया, बस ये खेल। अब समझ में आ गया, वेक्टर हटा दिया मैंने, जो है वेक्टर हटा दिया, तो अब तू ऐसे कर लेना जैसे ए एवरेज है, तो ये तू कर लेना V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये भी ऊपर को ही आएगा सिर्फ, और केवल ये बॉल के लिए डिफाइंड होगा, और एफ एवरेज एम इंटू ए एवरेज आएगा। और अगर मैं बॉल के लिए कहूं तो ये ऊपर को आएगा, और अगर मैं जे एवरेज कहूं तो ये एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी होगा, और अगर मैं बॉल के लिए कहूं तो फिर ये ऊपर को होगा। अब बताइए, समझ में आ गया बेटा, ये वाला पेज समझ में आ गया? अब मैंने वेक्टर वेक्टर से हटा दिए, प्लस माइनस से काम चला लिया, क्यों मी का बता बेटा, जो है वी इनिशियल कहाँ को है, वी फाइनल कहाँ को है, ये क्या? ठीक, एक और एग्जांपल देखो। ये एक प्लेट है, इसका मास एम है, और यहां से ना बुलेट्स फायर कर रहे हो, ठीक है? और हर किसी का मास एम है, और वी स्पीड से फायर कर रहे हो, और कोलिजन इलास्टिक दिया हुआ है, दूसरा एम की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन एम है, और तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड सो दैट एम रिमेन्स स्टेशनरी। इसका जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्वेश्चन पहले देख लो अच्छी तरीके से। एक प्लेट है, उसका मास बुलेट्स के मास से बहुत ज्यादा है, और जो बुलेट्स फायर कर रहे हो उनकी स्पीड वी है और मास एम है, और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है,
तो तुमसे कहता है कि पर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर करें कि वो स्टेशनरी रहे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो एम है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एम है, इसका मतलब ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब एम को तुम जस्ट लाइक ए वॉल मान सकते हो, क्यों? मे बी एज्यूम एज ए वॉल, क्यों? बता मे का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एक बार याद, हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर मान ले मास बहुत ज्यादा है तो उसको हम किसकी तरह मान सकते हैं? वॉल की तरह मान सकते हैं, क्यों? वॉल की तरह मान सकते हैं। और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, इसका मतलब बुलेट्स जो वापस लौटेंगे वो वी से ही वापस लौटेंगे, ये कहने का मतलब है। क्यों बताओ? बुलेट्स जो वापस लौटेंगे वो वी से वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? तब जो है वी से वापस लौटेंगे, ठीक। दूसरी बात, अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, बस हो गया, डायरेक्शन से मतलब नहीं है मुझे। ये बताओ एक कोलिजन में एक बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज हुआ? बताओ एक कोलिजन में एक बुलेट का मोमेंटम चेंज कितना हुआ? बताओ 2 MB हुआ ना। हाँ, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ऑफ वन बुलेट, इन वन कोलिजन। वो 2 MV हुआ। मेकअप कैसे देख? पहले मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में MV था, मतलब प्लस MV हुआ, और फिर नीचे की डायरेक्शन में एमवी हुआ, मतलब माइनस एमवी हुआ। तो चेंज कितने का हो गया बता? जो प्लस एमवी से तुम माइनस एमवी पे चले गए तो 2 MV का चेंज हो गया ना। पहले मोमेंटम ऊपर की डायरेक्शन में था प्लस एमवी, और बाद में मोमेंटम नीचे की डायरेक्शन में हो गया माइनस एमवी। तो चेंज कितने का हो गया? प्लस एमवी से आप माइनस एमवी पे चले गए तो 2 MV का चेंज हो गया, ठीक। तीसरी बात, लेट एन बुलेट्स स्ट्राइक पर सेकेंड, तो एक बात बताओ अगर 1 सेकेंड में एन बुलेट्स स्ट्राइक करती हैं तो पर सेकेंड मोमेंटम कितने का चेंज हुआ? जरा बताना, पर सेकेंड कितने का मोमेंटम चेंज हुआ बेटा? एन से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। टू एम वी इंटू एन हो गया। और एक बात बताओ कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड उसको फोर्स कहते हैं या नहीं कहते हैं? बताओ ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड उसको फोर्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं बेटा? जो है तो इसको हम कह देंगे फोर्स या एफ। अच्छा ये फोर्स, ये बताओ प्लेट पे किधर को लगेगा और बुलेट्स पे किधर को लगेगा? प्लेट पे किधर को लगेगा जरा बताओ जय? ऊपर को। और बुलेट्स पे किधर को लगेगा? नीचे को। तो अब सिंपल सी बात है कि प्लेट को स्टेशनरी रखने के लिए ये जो ऊपर को फोर्स होना चाहिए वो उसके वेट के इक्वल नहीं होना चाहिए? बताओ ये, बताओ ये जो फोर्स लगा ऊपर को वो किसके इक्वल होना चाहिए? बताओ जो है वो वेट के इक्वल होना चाहिए, बस ये हो गया जो है, समझ गए ना? टू कीप द प्लेट स्टेशनरी।
टू कीप द प्लेट स्टेशनरी एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैपिटल एम इंटू जी के इक्वल होनी चाहिए, और एफ मैंने निकाला था 2mv इंटू एन, वो mg हो गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई mg अपॉन 2mv। ये आंसर है। समझ में आया मिही का? बता बेटा जो है कि प्लेट का मास बुलेट के मास से बहुत ज्यादा है, तो उसको एज ए वॉल एज्यूम कर सकते हो। इसका मतलब बुलेट अगर वी से टकराती है तो वी से वापस आएंगे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। तो इसका मतलब एक कोलिजन में जो मोमेंटम चेंज हुआ वो 2mv का हुआ। दूसरी बात, अगर पर सेकेंड एन बुलेट्स टकरा रही हैं तो पर सेकेंड जो टोटल मोमेंटम चेंज होगा फिर वो 2mv को एन से मल्टीप्लाई करोगे और वो फोर्स के इक्वल भी होता है, नहीं होता, फोर्स के इक्वल भी होता है। अब ये फोर्स प्लेट पे लगेगा ऊपर को, बुलेट पे लगेगा नीचे को, और अगर प्लेट को स्टेशनरी रखना है तो वही फोर्स फिर कैपिटल एमजी के इक्वल हो जाना चाहिए, तो वहां से निकल। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर ली हैं उसके कोलिजन वगैरह ये सब कर लिया। अब चलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो रह जाता था। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहली बात तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। बताओ कैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है कि नहीं रहता, बताओ जो है। ठीक, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये हमेशा कंजर्व रहेगा इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। इतना तो कंफर्म है जो है। दूसरी बात, अब ये बताओ कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज स्टिक कर जाती हैं, क्यों? बॉडीज स्टिक और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है, क्यों? मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी। समझ में आया? तो बेसिकली मैं वही कॉमन वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं। कॉमन वेलोसिटी को कुछ भी कह दो, वी कह दो, हाँ, तो मैं वही कॉमन वेलोसिटी निकालने जा रहा हूं कि क्या होगा। दैट कॉमन वेलोसिटी अब सुनना, समेशन पी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू समेशन पी बिफोर कोलिजन, और इस टर्म को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं पी टोटल। बताओ कोई डाउट? बता बेटा, समेशन पी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू समेशन पी बिफोर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन जो भी तुम्हारे पास मोमेंटम था उसको मैंने पी टोटल कह दिया। ठीक, अब ये बताओ कि इस वाले टर्म को
सारी बॉडीज स्टिक कर गई हैं। मैं ऐसे कह दूं एम टोटल इंटू वो कॉमन वेलोसिटी, बताओ मे का बता बेटा, जो है सारी बॉडीज स्टिक कर गई हैं, क्यों? इसका मतलब ये जो वी बना वो कॉमन वेलोसिटी है, दैट कॉमन वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये पी टोटल के इक्वल हो गया। अब जरा बताओ वो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई, फिर बताओ वो कॉमन वेलोसिटी कितनी आ गई फाइनली, पी टोटल अपॉन एम टोटल हो गई, किसमें क्यों नहीं है। इसका मतलब वो जो कॉमन वेलोसिटी आ गई सीधे सीधे तुम्हें ये हो गया, बस हो गया पी टोटल अपॉन एम टोटल। लेकिन एक बात बता गोपी, इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ याद आ रही है, पुरानी बातें याद आ रही है कि नहीं आ रही है, बता जो है पी टोटल। हाँ पी टोटल अपॉन एम टोटल एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होती है बेटा जो है, दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस ये हो गया। अब समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूं बेटा जो है, कि स्टिक करने के बाद, समझ गए ना, स्टिक करने के बाद वो जो मूव करेंगे वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, और वो कॉमन वेलोसिटी होगी क्या बताओ जो है, वो कॉमन वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगी, बस हो गया जो है। और उसको तुम पी टोटल अपॉन एम टोटल से निकाल सकते हो, ये है ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वन केजी, टू केजी और थ्री केजी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे, और वो 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड इससे मूव कर रहे हैं, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो हमें लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। तो मैं सबसे पहले वो कॉमन वेलोसिटी निकाल लेता हूं, क्यों? दैट कॉमन वेलोसिटी P टोटल अपॉन एम टोटल, तो जरा देखना P टोटल कितना बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना बेटा जो है, तो 2i कैप, हाँ, प्लस 8j कैप, प्लस 18k कैप, क्यों? ये हो गया अपॉन 6 आ गया, कोई डाउट मेका बता बेटा, कोई डाउट पी टोटल अपॉन एम टोटल में कोई डाउट है बता जो है, ये हो गया ना ठीक। लेकिन मुझे वेलोसिटी से मतलब नहीं है, मुझे तो स्पीड से मतलब है, समझ गए ना, मुझे स्पीड से मतलब है, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड के भी बल्कि स्क्वायर से मतलब है यार, छोड़ो स्पीड से भी नहीं, स्पीड के स्क्वायर से मतलब है, क्यों नहीं है, स्पीड के स्क्वायर से मतलब है, तो स्पीड का स्क्वायर क्या बनेगा देख, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर,
स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, क्यों ये निकाल लोगे ना? मेका ये बता, इस वेक्टर की स्पीड का स्क्वायर निकालना मेरे को। ये तो निकाल लोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी लॉस निकालनी है, क्यों? तो इसका मतलब के इनिशियल माइनस के फाइनल होगा, बस हो गया। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, इनिशियल ज्यादा रही होगी ना फिर जो है, क्यों? के इनिशियल के फाइनल से क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी, ठीक है? ये कह लो तो के इनिशियल माइनस के फाइनल ये होगा, कह लो जो है। अब वैल्यू रख लेता हूँ बस, इनिशियल कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और फाइनल कितनी होगी बेटा जो है? हाफ 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू ये जो ऊपर स्पीड का स्क्वायर लिखा है, इसको लिख देना बस, हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में सारी की सारी बॉडीज स्टिक कर जाती हैं और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं, और वो कॉमन वेलोसिटी आप पी टोटल अपॉन एम टोटल से निकाल सकते हो। और ये जो पी टोटल अपॉन एम टोटल है वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है, क्यों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है, ये ख्याल रखो। क्लियर हो गया होगा ना गोपी? क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक रिजल्ट दे रहा हूं, देखो वो आगे काम आएगा। मैं देखो मैं याद है मैंने एक ना ये प्रॉब्लम की थी, ये वी नॉट से जा रहा है और ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है ये प्रॉब्लम? याद आ रही बेटा? ये बताओ जो है हाईएस्ट पॉइंट पे वो कॉमन वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल में, एक तो ये हो गया, दूसरा एक हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें भी एक कॉमन वेलोसिटी आ रही है। तीसरा एक सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी ये भी मान लो बी है, तो तीनों केसेस में, इन ऑल थ्री केसेस एक ही फॉर्मूला बनता है ना अगर देखोगे तो, बी इक्वल टू क्या बताओ? पी टोटल अपॉन एम टोटल। समझ में आ रहा? कुछ लिंक कर पा रहे हो इसको गोपी? बता इन तीनों को लिंक कर पा रहा है बेटा? ये बता जो है कि जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम की थी उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे कॉमन वेलोसिटी मिलती है, नहीं है? ये हाईएस्ट हाइट पे बेटा, ये मैक्सिमम हाइट पे, क्यों? एक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में कॉमन वेलोसिटी आती है और एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आती है, तो तीनों हम एक ही कॉमन फॉर्मूले से निकालते हैं, वो किससे बताओ? जो है पी टोटल अपॉन एम टोटल से, ये कह लो। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल है वो सुनो।
ये M1 है, इस पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहां से एक दूसरा मास आ रहा है M2, ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है। अब इसका पूरक और V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं मैं। पहला गोपी, तू भी कहता होगा ना कि सर मेरे को तो कहते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करो और अपना यहाँ पे बैठ के पोस्टमार्टम करते रहते हैं जो है। नहीं, तू ये कहता होगा जो है, खुद तो कहते हैं मेडिकल की तैयारी मत कर, इंजीनियरिंग की तैयारी कर ले हैं, और अपना यहाँ बैठ के जो है पोस्टमार्टम करते रहते हैं जो है। ठीक, अब ये बताओ कि अगर V2 V1 से ग्रेटर है टिल V2 इज ग्रेटर देन V1, तो बताओ स्प्रिंग कंप्रेस होगा या नहीं होगा? बताओ, मेका जरा फील कर बेटा जो है, अगर V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, बता जो है, बता, थोड़ा फील करके देख। अगर V2 V1 से ज्यादा है, V2 इधर को आ रहा है, ये हो गया। दूसरा, जब V1 V2 से ज्यादा हो जाएगा तो स्प्रिंग रिलैक्स करना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों बता? स्प्रिंग स्टार्ट्स रिलैक्सिंग, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ जो है। अगर आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वो कंप्रेस होके फिर रिलैक्स होना शुरू होगा, और अगर पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या होगा? वो कंप्रेस होगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसका मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे उनको एक कॉमन वेलोसिटी होगी? ये बताओ, एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मैं इसको XM कह दे रहा हूं, देयर वेलोसिटीज विल बी इक्वल, क्यों? कॉपी समझ में आया? जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, जब आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है तो स्प्रिंग रिलैक्स होगा, इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन पे उनकी वेलोसिटी क्या होंगी? सेम होंगी, और वो जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो भी उसी फॉर्मूले से निकलेगी, ये ध्यान रखना चाहिए। दैट कॉमन वेलोसिटी एट XM, ये भी तुम उसी से निकालोगे, P टोटल अपॉन M टोटल से। एक तरीके से चार जगह आ गया बेटा ये, P टोटल अपॉन M टोटल चार जगह आ गया पूरा जगह, ये कह लो। अब मुझे एक बात बताओ कि ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन इन पे KX फोर्स ऐसे लगे हैं कि नहीं लगे हैं बताओ? ये बताओ ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन इसमें इधर को फोर्स लगे? अच्छा, मैंने V1 इधर को लिया था और मैंने V2 भी इधर ही दिया था, तो अब ये बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब इस फिगर के हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा कि V1 तो बढ़ेगा, क्यों? हाँ, V1 विल इंक्रीज,
और इस फिगर के हिसाब से तुम्हें लग रहा होगा कि V2 विल डिक्रीज, क्यों? गोपी तूने वेलकम पिक्चर देखी? वेलकम वेलकम वेलकम, अच्छा तू देखना, उसमें खूब कॉमेडी है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक ना कॉमेडी कॉमेडी है बेटा, जो है ना बिल्कुल दिमाग को एक कोने पर रखते हैं और कॉमेडी कॉमेडी है। तो ऐसी फिजिक्स में भी तूने देखा होगा, बस कंसेप्ट ही कंसेप्ट है जो है कि नहीं बता जो है, क्यों? बस वेलकम पिक्चर से तू कंपेयर कर ले जो है। तो ये समझ में आ गया होगा कि V1 बढ़ेगा और V2 क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि जो के एक्स फोर्स है, देयर फोर जो के एक्स फोर्स है मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज देयर वेलोसिटीज। बताओ कोई गलत तो नहीं कहा मैंने? बताओ मे का बता बेटा, जो है उन दोनों की जो वेलोसिटी है वो के एक्स फोर्स की वजह से क्या हो रही है? बताओ जो है के एक्स फोर्स की वजह से क्या हो रही है? मॉडिफाई हो रही है, ये कह ले ठीक। और एक पॉइंट और जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता था, फोर्थ, मैंने कहा था कि जब V1 V2 से बड़ा है तो स्प्रिंग रिलैक्स करना स्टार्ट होता है, स्प्रिंग स्टार्ट्स रिलैक्सिंग। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्प्रिंग इलॉन्गेट हो गया बेटा, जो है ये ध्यान रखना, नॉट इलॉन्गेटेड। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बेटा, जो है तुम सोच रहे हो ना जैसे वो इलॉन्गेटेड हो गया, नहीं इलॉन्गेटेड नहीं, बताता हूं क्या है। देखो जैसे ना ये था बेटा, जो है अभी जस्ट इसको टच करने वाला है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब ये जस्ट इसको टच करने वाला बेटा जो है, तो अभी ये नेचुरल लेंथ पे है। अब इसने क्या किया, इसको कंप्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये कंप्रेस्ड है। और ज्यादा कंप्रेस्ड है, ये हो गया ठीक है। और यहां पे इनको एक कॉमन वेलोसिटी मिल गई वी, ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, जो है अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो कंप्रेशन है वो कम होना शुरू हो गया, जो है समझ गए ना, कॉम्प्रेशन कम होना शुरू हो गया। तो लास्ट में क्या होगा बेटा, जो है लास्ट में कुछ ये होगा कि ये फिर से नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, और ये V1 डैश हो गया कह लो, और ये V2 डैश हो गया, और अब V1 डैश V2 डैश से बाहर ज्यादा हो गया। लेकिन देखो जरा कहीं भी इसमें इलोंगेशन नहीं हुआ बेटा, जो नो वेयर इलोंगेशन। मे का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले दोबारा से सुन बेटा, जो पहले वो नेचुरल लेंथ पे था, पीछे वाले ने उसको कंप्रेस करना शुरू किया, और कंप्रेस हुआ और कंप्रेस हुआ और कंप्रेस हुआ, और मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई। अब वो रिलैक्स होना शुरू हो गया, मतलब अब कंप्रेशन कम होना शुरू हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा है, अब कॉम्प्रेशन कम होना शुरू हो गया। और जब वो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो आगे वाला फिर ज्यादा वेलोसिटी लेके निकल जाएगा, जो समझ गए ना, ज्यादा वेलोसिटी लेके निकल जाएगा, तो इलोंगेशन कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब के एक्स फोर्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये कहने का मतलब है मेरा, के एक्स और ये के एक्स हमेशा ऐसे रहेंगे, ये कह रहे हो, हर केस में ये रहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया ना? तो अब मैं तीन फिगर बना दे रहा हूं, बस हो गया, देखो एक फिगर तो ये थी,
ये V1 था, ये V2 था, और V1 V2 से ज्यादा था। बीच में एक फिगर ये आई, एक्स मैक्स। अभी इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी है, और लास्ट में एक फिगर ये आई, ये V1 डैश और ये V2 डैश। और अब V1 डैश V2 डैश से ज्यादा हो गई। ये बताओ, ये तीनों फिगर समझ में आई कि नहीं आई? बताओ मे का, बता बेटा। तीन फिगर बनेंगे जो है, तीन फिगर बनेंगी बेटा, ध्यान रखना जो है, तीन फिगर बनेंगी ये कह लो जो है। ठीक, अब मैं लेता हूं। देखो सबसे पहली बात, या तो वो नेचुरल लेंथ में रहेगा या ऑलवेज कंप्रेस्ड रहेंगे, समझ गए ना? दो ही कंडीशन होंगी बेटा, ये ध्यान रखना, या तो नेचुरल लेंथ में या ऑलवेज कंप्रेस्ड, नेवर इलॉन्गेटेड, नेवर इलॉन्गेटेड। पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरी बात, फोर्स की डायरेक्शंस हमेशा ऐसी ही होंगी, तीसरी बात, जो फोर्स kx है इनकी वजह से वेलोसिटीज गेट मॉडिफाइड, वेलोसिटीज गेट मॉडिफाइड। गोपी भैया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो वैसे पहले कर चुका हूं, लेकिन उसको मैंने यहां पे कंक्लूड कर दिया बेटा जो है, कि वो हमेशा या तो नेचुरल लेंथ पे रहेगा या हमेशा कंप्रेस्ड रहेगा, इलोंगेटेड कभी नहीं होगा। kx की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी, इसका मतलब फोर्स kx ही उनकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि फोर्थ पॉइंट, मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगी, बताओ। गोपी बता बेटा जो है, मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? मैकेनिकल इसलिए ले लिए मैंने क्योंकि अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी ना, इसलिए ले रहा हूं बेटा। समझ में आ गया ना, मैकेनिकल क्यों ले लिए? बिकॉज स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। फिफ्थ, एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, ये पहले दे चुका हूं, ये भी पहले दे चुका हूं, जो कॉमन वेलोसिटी होगी वो कैसे निकाल लोगे? पी टोटल अपॉन एम टोटल से, यहां भी क्लियर हो गया होगा। ठीक, सिक्स्थ, अब मैं मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, बताना सही है या नहीं है। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, M1 प्लस M2 into V। बताओ ये समझ में आया मोमेंटम कंजर्वेशन बेटा? बताओ, ये इनिशियल फिगर है, ये लास्ट फिगर है, ये लास्ट है, ये मिड में जो फिगर है वो बनाइए, वो है बेटा। मी का बता बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? बता जो है, इनिशियल फिगर, लास्ट फिगर और मिड में जो फिगर बनाई थी वो थी बेटा जो है। और सेवंथ पॉइंट, इनिशियल फिगर में केवल काइनेटिक थी,
लास्ट फिगर में भी सिर्फ काइनेटिक थी। लेकिन मिड वाली फिगर में दोनों थी, समझ गए ना? हाँ दोनों थी, तो कौन कौन सी थी बताओ। हाफ M1 प्लस M2, एक तो वी स्क्वायर थी प्लस हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। और ठीक, बस हो गया। क्लियर है या नहीं है बता गोपी? क्लियर हो गया? अब एक जादू भी होना चाहिए ना, हर उस पे जो है एक जादू भी होना चाहिए बेटा, जो है हर लेक्चर में एक जादू जरूर होना चाहिए, और उसके साथ वो गाना फिर, जादू जादू, समझ गया ना? वो गाना भी होना चाहिए। अब ये बता कि ये दोनों इक्वेशंस तेरे को पहले भी कभी दिखी हुई सी लग रही है बेटा, ये बता। जादू जादू बता, ये तेरे को पहले जो है इक्वेशंस दिखी देखी हुई सी लग रही है कि नहीं लग रही है बता, जो है कहां पे देखी हुई लग रही है बता। ये दोनों इक्वेशंस कहां पे देखी हुई लग रही है तेरे को? ये दोनों इक्वेशंस कहां पे देखी हुई लग रही है बता, जो है कौन से वाले कोलिजन में, कौन से वाले कोलिजन में? ऐसे नहीं बेटा, जो है कोलिजन तो 50 टाइप के पढ़ाए मैंने, जो है अभी भी नहीं पहुंचा तू पूरा, मैं पूरा वर्ड चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं बेटा। हेड ऑन, हाँ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में भी तो लगाई थी है। क्यों हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में भी लगाई थी? इसका मतलब ये हुआ कि V1 एंड V2 के जो एक्सप्रेशन वहां पे निकाले थे, एक्सप्रेशंस कैन बी अप्लाइड, ये है पूरी कहानी। मेका समझ में आया बेटा? इसलिए मैंने फर्स्ट और लास्ट को पहले लिखा, फर्स्ट और लास्ट को पहले लिखा। ये हम हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में पढ़ते थे, जो है ये ध्यान रखना। एक बार दोबारा से कर दे रहा हूं, सुन लो बेटा। जब तक पीछे वाले के, हाँ वो सब कुछ चलेगा, बस सारा कुछ चलेगा, बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सब कुछ चलेगा बेटा, ठीक है। जब तक पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है स्प्रिंग कंप्रेस होगा, जब आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो स्प्रिंग रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इलोंगेट नहीं होगा बेटा, जो है ये ध्यान रखना, इलोंगेट नहीं होगा। और ये जो वेलोसिटी में चेंजेज आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? कि एक्स फोर्स की वजह से आ रहे हैं। और मैक्सिमम कंप्रेशन में कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है ना? मैक्सिमम कंप्रेशन पे कॉमन वेलोसिटी इक्वल होगी, या दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, और वो कॉमन वेलोसिटी मैंने तुमसे कहा पी टोटल अपॉन एम टोटल करोगे। और मोमेंटम और मैकेनिकल एनर्जी तीनों फिगर्स में कंपेयर कर सकते, इक्वेट कर सकते हो। और अगर मैं पहली और लास्ट फिगर की इक्वेशंस लिखूंगा तो फिर वहां से तुम V1 और V2 वाले जो एक्सप्रेशन थे वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब एक एग्जाम्पल हो जाए तो थोड़ा और मजा आ जाए गोपी, क्यों बता? एक एग्जाम्पल हो जाए तो और मजा आ जाए कि नहीं आ जाए बता, जो है ठीक है ना? एग्जाम्पल दे, उसके बाद लेकिन छुट्टी बस। वैसे सुन बेटा सुन, नहीं लेकिन मजा नहीं आएगा मेरे को जब तक मैं, सुन बेटा सुन। ये 2 kg है, ये 3 kg है, इनके बीच में एक स्प्रिंग भी है,
और इसके के की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर है, ये इधर को आता है 6 मीटर पर सेकंड से और ये इधर को आता है कुछ भी कह लो 2 मीटर पर सेकंड से। पहला कॉमन वी निकालना है एट एक्स एन, क्या लिख दूं बताओ? कॉमन वी निकालना है एक्स एन पे, तो क्या लिख दूं जरा बताओ? पी टोटल अपॉन एम टोटल, क्यों? लेकिन टोटल मोमेंटम कितना हो गया बेटा, 2 × 6, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया। 3 × 2 ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, अपॉन टोटल मास आ गया 5, तो इसका मतलब 1.2 मीटर पर सेकेंड। मेका बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये बता बेटा, जो है समझ में आ गया कॉमन वेलोसिटी एट एक्सएम, ये हो गया बेटा जो है ठीक। बी पार्ट अब मैं निकालता हूं फाइनल मॉडिफाइड वेलोसिटीज, मॉडिफाइड वेलोसिटीज किसकी वजह से हो रही है वैसे मॉडिफाई, ये बता बेटा, ये किस फोर्स की वजह से हो रही है वेलोसिटी, क्यों मॉडिफाई हो रही है? हाँ, बिकॉज ऑफ की एक्स फोर्स। अब मुझे बताओ वी टू डैश, तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा जो है, 2 − 3 अपॉन टोटल मास आता था और यहां उसी की वेलोसिटी आती थी, याद आ रहा बेटा जो है, उसी की वेलोसिटी आती थी 6 प्लस 2 टाइम्स दूसरे का मास अपॉन टोटल मास इंटू दूसरे की वेलोसिटी आती थी −2। मेका फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बता बेटा जो है वी टू डैश का फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता बेटा जो है, वो जो वी वन डैश और वी टू डैश लिखा था। इसी टाइप से ये बताओ वी थ्री डैश कितना होगा, 3 − 2 अपॉन टोटल मास और उसी की वेलोसिटी −2 प्लस 2 × दूसरे का मास अपॉन टोटल मास × 6, ये हो गई तो फाइनल मॉडिफाइड वेलोसिटीज ये रह गई। समझ में आया बेटा गोपी, तेरे समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा जो है, क्लियर है? अभी एक चीज और रह गई है जो है, क्या बता? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, हाँ ये तो इनिशियल और मिड फिगर में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दे, बस हो गया। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल फिगर में और मैकेनिकल एनर्जी जो मिडिल वाली फिगर थी उसमें इक्वल कर दे, बस हो गया। तो कितना था देख, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू 2 स्क्वायर, बताओ ये थी, बता मी का बता बेटा जो है, ये इनिशियल एनर्जी थी या नहीं थी बता बेटा जो है, हो गई। अब मिड वाले में क्या देख, हाफ 2 + 3 इंटू जो कॉमन वेलोसिटी है 1.2 इसका स्क्वायर, कोई डाउट? ये हो गया प्लस हाफ
के का मतलब 10 इंटू एक्स एम, इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां से एक्स एम फाइंड कर लो। तो समझ में आ गया नहीं आया बेटा, ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई बताओ जो है, ठीक है, कि स्प्रिंग या तो कंप्रेस्ड रहेगा या फिर नेचुरल लेंथ रहेगा, इलोंगेटेड कभी भी नहीं रहेगा, केएक्स फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा, और वही दोनों की वेलोसिटीज को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, और ये काफी हद तक वही है जैसे हमने वहां पे इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था बेटा हेड ऑन, काफी हद तक ये है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ना कंपेयर करूंगा इलास्टिक कोलिजन से, तो तुम्हें फिर और मजा आएगा जो है, ठीक है। बाकी चलो करते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके बाय एंड थैंक यू।